गोड्डा में जिला कोऑर्डिनेटर की हुई बहाली में एक प्रतिभागी ने स्वास्थ्य विभाग पर घोर अनियमितता का आरोप लगाया है। इनके माने तो इस बहाली में वैसे उम्मीदवारों को चयनित किया गया है जो मांगे गए योग्यता नहीं होने के बावजूद नियुक्त किए गए। वहीं इस मामले को लेकर सिविल सर्जन का कहना है कि किसी तरह का कदाचार नहीं हुआ है, सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही चयन किया गया है। और मैं एकदम इस बहाली के लिए एकदम उपयुक्त उम्मीदवार था, मेरे से भी पैसे मांगा गए। जब मैंने कह सकते हैं कि टाइम पे या फिर पैसा नहीं दिया तो फिर मेरा चयन इसमें नहीं हुआ। क्या सर जांच इस पे हो? इसमें तो मतलब मैंने डीसी महोदय को दिया है कि सर इसमें कदाचार हुआ है और इसमें इसकी सघन जाँच होनी चाहिए। आयुष्मान कोऑर्डिनेटर की बहाली की जो गाइडलाइन था, जिस प्रक्रिया का पालन होना था उस प्रक्रिया का पालन किए करते हुए उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा वो कैंडिडेट का चुनाव किया गया।